नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो वंदना एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साल 2020 के उस महीने की जिसे गुलाबी ठंड का महीना और सर्दियों की शुरुआत का महीना कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवंबर माह की। इस बार नवंबर के महीने में ही करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको मासिक राशि फल के जरिए बताएंगे कि नवंबर माह में किन किन राशियों का होगा नफा और किन का होगा नुकसान। इसके अलावा ग्रहों की चाल से आपके हालात बदलेंगे या नहीं, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही साल 2020 में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में और राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशि फल के बारे में। उससे पहले, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। दर्शकों, नवंबर का महीना आ रहा है, दीपावली का शुभ त्योहार आ रहा है। कौन से चार ग्रहों की राशि परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है? तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे सबसे पहला राशि परिवर्तन सूर्य का, जो कि अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। दूसरा परिवर्तन शुक्र ग्रह का होगा, जो कि अपनी नीच राशि कन्या से अपनी ही राशि तुला में 17 नवंबर को प्रवेश करेंगे। और तीसरा परिवर्तन बृहस्पति ग्रह का होगा, जो कि अपनी ही राशि यानी कि धनु राशि से निकलकर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन होगा 20 नवंबर को। और इससे अगला परिवर्तन बुध ग्रह का होगा, जो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य केतु के साथ युति बनाएंगे। बुध का यह राशि परिवर्तन 28 नवंबर को होगा। तो दर्शकों, देखते हैं यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव लाते हैं। दर्शकों, हमने पिछली वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए बात की थी और अब इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। तुला राशि वाले जातक बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। अभी सूर्य अपनी नीच राशि में बुध के साथ युति बना के तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 नवंबर के बाद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता मिल सकती है, धन लाभ के अवसर प्रदान होंगे। जिनकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन्हें विशेष तौर से शुक्र के इस परिवर्तन का बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में से लाभ होगा। मंगल धन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है, जिसके कारण ऋण में वृद्धि हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। पारिवारिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जो छोटी मोटी यात्राओं का योग बनाते हैं। मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा। शुभ कार्य में धन खर्च होने की संभावना बनती है। नवंबर के महीने में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपको पारिवारिक जीवन में माता का सहयोग प्राप्त होगा। 15 नवंबर के बाद से आपके रुके हुए काम होने लगेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु का गोचर अष्टम स्थान में हो तो अचानक धन की हानि हो सकती है। नौकरी में असुविधा हो सकती है। तुला राशि वाले लोगों को मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये राशिफल जरूर पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।